श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होने पर वे किसी गैर सरकारी संस्था की मदद भी लेते हैं। धन्य है परम पावन जी जो अपने छठवीं अवतार के रूप में आपने मोन्यूल के इस पवित्र स्थान पर जन्म लिया। इसीलिए उर्गेलिंग गोम्पा तवांग के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण गोम्पाओं में से एक है। उनका जन्म 1683 को बेघर नामक गांव के शाही घराने में माता श्री त्सवांग ल्हामो तथा पिता श्री ताशी तेंजिन के यहां पर हुआ, परंतु लोग उनके छठवीं दलाई लामा होने के इस सच्चाई से काफी सालों तक अनजान रहे और इस दौरान छठवीं दलाई लामा यहीं पर पले, बड़े और जवान हुए। अपने उन दिनों के दौरान उन्होंने कई चमत्कारें की, जैसे एक दिन घर से कुछ दूर खेल रहे परम पावन को माता श्री ने पुकार कर आवाज लगाई तथा यह सूचना दी कि तिब्बत से कुछ शाही लोग उन्हें ले जाने आए हुए हैं। यह सुनकर घबराहट में उन्होंने पत्थर पर अपने उंगली से लिख दिया, लामा खेनो। तिब्बती अक्षरों में लिखे इन शब्दों का अर्थ है, हे भगवान, तुम्हारी लीला तुम ही जाने। यह शेर सा दिखने वाला पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। परम पावन जी के दोस्त मिट्टी के खिलौने बनाकर खेला करते थे, वही उन्होंने इस पत्थर को ही अपने हाथों से संवार कर शेर का रूप दे दिया। तिब्बत की ओर सफर करते समय मध्य तवांग से कुछ मील दूर लामा जबजे नामक इस शील पर खड़े होकर भारी मन से अपने गांव की ओर रुख करते समय यहां इस शील पर उनके चरणों के निशान पड़ गए। वही चरणों के निशान आज भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। तवांग से विदा लेने से पहले उन्होंने अपनी छड़ी उर्गेलिंग गुम्पा के बिल्कुल समीप गाड़ते हुए अपने प्रियजनों से यह कहा था कि एक दिन जब यह छड़ी एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा, तब मैं मोनपाओं की इस भूमि पर दोबारा आऊंगा। उनका कथन बिल्कुल सच निकला। लंबे अरसे के बाद सन 1959 को वे 14वीं दलाई लामा के रूप में भारत शरण लेने आए थे, तो भारत के भूमि पर उनका पहला चरण स्पर्श मोनपाओं के इस पवित्र भूमि पर ही हुआ था। उनके बचपन के खिलौने, जवानी के कपड़े तथा पूजा की सामग्री आज भी तवांग गोम्पा के इस संग्रहालय में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। मोन्यूल तवांग के इन वादियों में आज भी उनके प्रशंसा के गीत गाते और नई पीढ़ी को सिखाते सुना जा सकता है। इन गीतों का अर्थ है, मेरी भूमि पर उगे ये पेड़ कितने भाग्यशाली है जिसने अपने डालियों में परम पावन ग्यवाछवांग ग्याचो को जुलाया है। हमारे परम पावन जी ने यहाँ के धाराओं से जल ग्रहण करके उसे अमृत बनाया है। हम तो खुशनसीब है ही, जो पूर्वज रहे वो हमारे, मेरा या घोड़ा भी कम नहीं जिसके नस्ल पे वे चढ़े। आज के दिन ग्यवाछवांग ग्याचो के 14वें अवतार परम पावन ग्यवा जिक्चुन जम्पेल नवांग लप्सांग येशी तेंजिन ग्याचो जी अपने इस जन्म स्थान पर एक छोरतेन बनवाने के लिए नींव का पत्थर रखेंगे। यह छोरतेन आगे चलकर विश्व शांति का प्रतीक बनेगा। Thank you.
अपने इस यात्रा के दौरान परम पावन जी ने तवांग के जिला अस्पताल के खंडो डोवा जंगमो ओपीडी विभाग का शुद्धिकरण किया तथा इसे जनता की सेवा के लिए समर्पित किया। खंडो डोवा जंगमो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कमेंग जिला में स्थित लाग्याला गोम्पा से संबंध थी। वे 7वीं शताब्दी में तवांग के राजा महाराज कलावांगपू की रानी बनकर आई थी। लिखित ज्ञात प्रमाण द्वारा कहा जाता है कि महाराज कलावांगपो की दो रानियां थी, एक दुनमु हशांग जो स्वभाव से बड़ी क्रूर थी और दूसरी खंडो डोवाजांगमो जो मानव के रूप में एक परी थी। महाराज कलावांगपो खंडो डोवाजांगमो से बेहद प्यार करते थे। राजा कलावांगपो तना मंडेखंग नामक राजमहल से अपना शासन चलाते थे। कहा जाता है कि बाद में उस स्थान के आसपास मेरा लामा लोटे ग्यम्त्सो जी ने एक बौद्ध मठ बनवाया जिसे आज हम विश्व प्रसिद्ध तवांग गोम्पा के नाम से जानते हैं। Thank you.
कुंदन फेपिया सेम दशमन सिना ना कसोला ए पिनथे गान मागै जिक्यास ता जुका फेप न रकुने समदुआ समजे लाम छिन लोन तनु लोजी यांग यांग चामी कि सम नंबर तक बात आ जिंग हन बर छे चम हा तानी लम दादा मैं जो है तो उनकी फेप न रकुने सम समझिदा दंगरा ते सिरिदा तन सिन सिन सा सम बजोला इस बार के अपने यात्रा के दौरान वे खिन्मे गोनपा नामगे छेलिंग गोनपा संगेलिंग गोनपा तथा मंजूश्री अनाथालाई भी पधारे परम पावन जी जब भी तवांग पधारे जोंगसे नामक इस स्थान पर एक पेड़ लगाना कभी नहीं भूलते। सन 1959 में जब वे तिब्बत की सीमा पार कर भारत शरण लेने आए थे तो भारत की धरती पर पहला पेड़ उन्होंने यहीं पर लगाए थे। तब से वे अपनी तवांग की हर यात्रा पर यहां एक पेड़ लगाना कभी नहीं भूलते। मोन्यूल तवांग में उनका इस बार की यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज वे इस भव्य समारोह में अपना योगदान देने वाले सभी भक्तों से मिल रहे हैं। We should be 21st century Buddhist. That means we should not contend it just some ritual things or ceremonial things. That important indeed, but main thing is study. Fuller knowledge about Buddha Dharma is very essential because the basic Buddhist system is utilize human intelligence maximum way through that way and transform our emotions, negative emotion in decrease, positive emotion increase through that way individually becoming much happier human being, happier person. And family also happier, and whole community becoming more compassionate, more happier society. So I'm very, very sort of encouraged now. People showing great enthusiasm to learn Buddhism. That I'm very happy. So I'm simply Buddhist monk. It's my moral responsibility to help them as much as I can. So this time, I had opportunity, little contribution. For promotion of understanding about Buddhism. So, thank you very much. परम पावन जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे ये लोक गीत और नृत्य तावांग वासियों की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप अर्पित करते हैं। Thank you.
परम पावन दलाई लामा जी अब मोनपाओ की इस नगरी से अपने अगले स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने तमाम जनता को क्रोध, ईर्ष्या, ऊंच नीच, खून खराबे से मुक्ति के ज्ञान प्रदान किए हैं। इन वादियों में रहने वाले मनुष्यों एवं सभी जीवों को परम पावन दलाई लामा जी के दोबारा दर्शन का इंतजार रहेगा और यह इंतजार हमेशा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। Om Mane Padme Hum.
Oh,